प्यारे शिशु, बेटा तुम जानते हो 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने अपने छात्रों से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन विद्वान, महान विचारक और बहुत सम्मानित शिक्षक थे। इस दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। हमारी संस्कृति में माता पिता से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता है। एक तरफ जहां माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षक उनके जीवन को आकार देते हैं। शिक्षक हमेशा प्रेरणा देते हैं और समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। हे मेरी संतान, शिक्षकों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम शिक्षक दिवस को टीचर्स डे भी कहते हैं। यह दिन पूरे भारत में उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे सम्मानपूर्ण अवसर होता है जो शिक्षा पूरी कर देश की सेवा कर रहे हैं या तो ग्रहण कर रहे हैं। इस दिन सभी छात्रों अपने शिक्षकों से मिलकर ज्ञान के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। प्रति वर्ष 5 सितंबर को बड़े धामधूम से टीचर्स डे मनाया जाता है और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्वप्न था कि देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों को ही शिक्षक बनाना चाहिए, जिनकी वजह से देश आगे बढ़े। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था और अपने दायित्वों को पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाने की प्रार्थना की थी। छात्रों के बहुत अधिक अनुरोध करने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि 5 सितंबर को मेरे व्यक्तिगत जन्मदिन के रूप में मनाने के स्थान पर यह दिन अच्छा हो कि इस दिन को पूरे शैक्षिक पेशे के लिए समर्पित किया जाए। तब से 5 सितंबर पूरे भारत में शैक्षिक पेशे के सम्मान में शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। भारत के सभी छात्रों के लिए शिक्षक दिवस उनके भविष्य को आकार देते हैं। उनके निरंतर निस्वार्थ और कीमती प्रयासों के लिए उनके द्वारा अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। एक शिक्षक देश में शिक्षा प्रणाली को समृद्ध करने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर बिना थकावट कार्य करता है। जहां हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वहीं शिक्षक स्कूल में हमें पढ़ाई के साथ हमें सही और गलत का फर्क बताकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। साथ ही शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर होता है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक ही शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षक हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमें हमारे शिक्षक अपने स्वयं के बच्चों से कम नहीं समझते और हमें पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं।
एक बच्चे के रूप में जब हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जिसे हम निश्चित रूप से अपने अध्यापकों से प्राप्त करते हैं, वे हमें जीवन में किसी भी बुरी स्थिति से ज्ञान और धैर्य के माध्यम से बाहर निकालना सिखाते हैं। प्रिय शिक्षकों से हमें सभी ज्ञान प्राप्त होता है और हमें हमारे शिक्षकों से आभार व्यक्त करना चाहिए। हमारे महान कवि कबीर दास ने कहा है कि अगर आपको शिक्षक और भगवान दोनों एक साथ दिखे तो हमें पहले शिक्षक का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही हमें ज्ञान देकर भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर होते हैं, ये भी कबीर कहते हैं, क्योंकि शिक्षक ही भक्तों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। ऐसे हमारे गुरुओं को बार बार प्रणाम और नमन करना चाहिए। बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सिर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनाता है जीवन का सही आकार, गुरु ही है सफल जीवन का आधार। जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। इसीलिए हमें गुरु का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु हमारे जन्मदाता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो हमें एक ज्ञानी व्यक्ति बनाते हैं और जीवन कैसे जीना है वो भी सिखाते हैं। किसी शिष्य को उनके वास्तविक गुणों एवं अवगुणों उनका परिचय शिक्षक ही करवाते हैं। इसीलिए हमेशा शिक्षक की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे बार बार प्रणाम और नमन करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव।